नागपुर के साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जहां तीन आरोपी ने गूगल कस्टमर केयर के नाम पर फर्जी कॉल कर लोगों से धोखाधड़ी की थी, आरोपी ने अपनी चालाकी से बैंक खातों से भी धोखाधड़ी की थी। यह विवाद 7 मई 2024 को आरंभ हुआ था, जब एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन पर फोन पे शुरू नहीं होने के कारण गूगल कस्टमर केयर फोन पे सर्च किया तो व्यक्ति को एक मोबाइल नंबर मिला। जब फिरियादी व्यक्ति ने उस नंबर पर फोन करके बताया कि मोबाइल में फोन पे बंद हो गया है, तो आरोपी ने व्हाट्सएप के माध्यम से फोन किया और जैसा कि फिरियादी ने कहा कि मेरा फोन पे बंद हो गया, तब आरोपी ने बात पलटाते हुए आपका मोबाइल फोन सेट किए जाने की बात की और रात के 11:52 पर वीडियो या फोन पे शुरू होने की बात कहकर कॉल बंद कर दी, जिसके बाद सबसे पहले आरोपी ने व्यक्ति के अकाउंट से 1,49,000 रुपए निकाल दिए। उसके बाद फिर एक बार 1,99,000 और 12:10 पर फिर से एक बार 1,49,000 रुपए निकाले। वही इस मामले की जानकारी मिलते ही सदर क्राइम ब्रांच ने कड़ी कार्रवाई कर इस मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अतुल इंद्रापति, नीरज श्याम कुमार और विकास मेघलाल के रूप में हुई है और आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। हमारे पास कंप्लेंट आए थे, उनके पास उन्होंने कंप्लेंट किया था कि 5 तारीख को उनका गूगल पे अकाउंट बंद हो गया था, इसलिए उन्होंने गूगल पे कस्टमर का नंबर ढूंढा गूगल पे, उस अकाउंट वो नंबर पे उन्होंने कॉल किया था, कॉल वहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनको एक वीडियो कॉल आया व्हाट्सएप से और वहाँ से बता दिया कि वो गूगल कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं और उनको उन्होंने कुछ सेटिंग बता दी और सेटिंग करने के बाद रात के 12 बजे वो अकाउंट आपका गूगल पे अकाउंट चालू होगा ऐसे बताया था। रात के 12 बजे जब सेटिंग करने के बाद कंप्लेंट ने देखा तो उसके अकाउंट से 5 लाख के ऊपर अमाउंट अलग अलग अकाउंट्स में क्रेडिट हुई थी। उस आधार पर हमारे यहाँ पर कंप्लेंट देने के बाद यहाँ पर गुना रजिस्टर हुआ था। तपास में ये पता चला कि अकाउंट्स में जो पैसे गए हैं वो अलग अलग सिटी में निकाले गए हैं और अलग अलग सिटी के अकाउंट होल्डर्स है। अकाउंट्स की डिटेल निकालने के बाद ये हमने पाया कि अकाउंट्स विरार, नालासोपारा और मुंबई के कुछ एरिया में अकाउंट्स खोले गए हैं। वहाँ पर हमारे DCP क्राइम सर और ACP क्राइम सर के मार्गदर्शन में टीम भेजी गई, वहाँ पर कुछ अकाउंट होल्डर्स मिले, उनके जरिए जिन्होंने उनसे अकाउंट खुलवाया था वो लोग मिल गए। उसके बाद उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि उन्होंने एक बोगस कंपनी स्थापन की थी और उसमें कुछ लोग नौकरी करने के लिए भर्ती किए गए और उनके नाम पे सैलरी अकाउंट्स बैंक में खोले गए और वो अकाउंट के पूरे क्रेडेंशियल और बैंक अकाउंट के पासबुक पूरे साथ में अपने रखे और वो अकाउंट अलग अलग सिटी में उनको अलग अलग लोगों को वो बेचते रहते थे और उस जरिए अकाउंट का फ्रॉड हो गया है। तो अभी तक 3 आरोपी इसमें हमने पकड़े हैं, तीनों को अरेस्ट किया था और उनके पास इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और अभी तक जो पाया गया है उसमें एक टीम अकाउंट्स फोर्ज अकाउंट डुप्लीकेट अकाउंट बनाती है और एक टीम जो कि वहाँ अलग अलग जगह से पैसा निकालती है, तो वो उस बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी हमने जो आरोपी पकड़े हैं उनमें से एक का नाम है अतुल सिंह, जो कि उम्र 32 साल है, रहने वाला पालघर का है, लेकिन फिलहाल पालघर में रहता है विरार में, लेकिन वो है बिहार का। उसके बाद दूसरा आरोपी नीरज शंकर चौबे, वही वो भी नालासोपारा पालघर में रहता है और उनके साथ तीसरा आरोपी विकास साव, ये रहता है दहीसर में। तीनों आरोपी ये उसी एरिया में रहते हैं लेकिन अलग अलग स्टेट से आते हैं और इनके पास इससे ज़्यादा हमने मोबाइल्स मिले हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं और भी ज़्यादा अकाउंट्स मिले हैं, पासबुक मिले हैं, तो इसके अलावा भी इन्होंने उसको और कुछ ओपन किए होंगे तो उसके बारे में देखिएगा शुरू है। ऐसे एक आरोपी है अतुल सिंह, उसको इसके पहले भी बनावट सिम तैयार करने के इसमें गुना दाखिल है और उसमें वो जेल में रह चुका है। बाकी 2 आरोपी कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। DCP क्राइम और ACP क्राइम सर के मार्गदर्शन में अपने साइबर पुलिस स्टेशन के API मारुति सेल के API विजय भिसे और बाकी स्टाफ दत्ता निनावे, पुलिस हवलदार गजानन मोरे, चंद्रशेखर दड़मल, पराग जवादे, बबलू ठाकुर और बाकी सब लोग जो भी यहाँ पर बैठ के कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो सब इन मिलके ये कामगिरी की है।